महिलाएं जिनके बिना ये सृष्टि अधूरी है, जिनके बिना हमारा जन्म असंभव है और जिनके बिना मानवता अनपेक्षित है। और इसीलिए वुमेन्स डे के अवसर पर हमारे शो में आ रही हैं इस देश की सबसे सशक्त और दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक, इंडिया की सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर्स देने वाली बॉक्स ऑफिस क्वीन, अ प्रोड्यूसर, अ डायरेक्टर, अ क्लासिकल डांसर, अ पॉलिटिशियन और इतनी जबरदस्त माँ की इन्हें भगवान भी बुलाते हैं, हे माँ। वाह, द ड्रीम गर्ल फॉर ऑल जनरेशंस, हेमा मालिनी। किसी झील का कमल ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कमल ड्रीम गर्ल, कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कमल ड्रीम गर्ल, कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल। एक बार हेमा जी के लिए हाथ टूटने तक तालियां। मैम, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं, मैम आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं। द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी एवर इन द होल वर्ल्ड। बिल्कुल सही। लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। आप लोगों ने बहुत तारीफ कर दिया मुझे। नहीं बिल्कुल नहीं मैम, अभी तो हम शुरू हुए हैं। मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन इंडियन आइडल, अपना कीमती समय हमारे शो को और हमें देने के लिए। कर ले झूठा ही सही, दो दिन
चुप के देखा हमने बहुत तुझको चुप चुप के देखा दिल पे लिखी है तेरी काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा हो काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा राम ने तो तूने रावण को देखा राम ने क्यों तूने रावण को देखा कड़े क्या बात है निहाल हेमा जी कैसा लगा आपको निहाल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा पल भर के लिए कोई हम पल भर के लिए मैंने वो एक्ट किया है साथ में देव साहब के साथ बहुत इंटरेस्टिंग था वो पूरा दैट सेटिंग जो लगाया था उन्होंने 50 खिड़कियां हैं और सारे खिड़की में से एक एक करके देव साहब जो आते हैं उस तरफ से और इस तरफ मैं हूँ तो किस खिड़की से आने वाले मालूम नहीं पड़ता है आई हैव टू एडजस्ट एंड कीप गोइंग यू नो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू शूट दिस पर्टिकुलर पार्ट बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड कितनी भी बार रिहर्सल हो देव साहब कभी थकते नहीं थे मैं थक जाती थी देव साहब लेकिन थके नहीं कितना बार किया लेकिन ही इज़ ए परफेक्शनिस्ट एंड साथ में विजयानंद साहब जो डायरेक्टर थे एंड वंडरफुल इट वॉज ब्यूटिफुल वे इट वॉज पिक्चर आप लोग देखा होगा उस पिक्चर को जॉनी मेराना किसने नहीं देखा पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले वो नहीं किया तो अभी कर लो निहाल तुम तो बहुत ही रोमांटिक बंदे हो कम ऑन पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही क्या बात है पर कितनी कमाल की बात है कि मैम तो एक्टिंग कर रहे थे और उसके बावजूद उनको एक एक लाइन एक एक वो इसलिए है क्योंकि देव साहब बहुत इंटरेस्टिंगली दैट इस पर्टिकुलर पार्ट को ऐड किया कोई हमें प्यार कर ले नो ही वाज कमिंग क्लोज एंड सिंगिंग लाइक दैट इट वाज वेरी स्वीट The way he acted that particular part. Right, absolutely. Yeah, so Beautiful. I always remember. Beautiful. Legendary, legendary. मैं बोल रहा हूँ, मैम, आप मानो ना मानो अंदर म्यूजिशियन छुपा हुआ है 100% you are definitely see I am a dancer when I started learning dance music also I learned of course wow. of course no and wonder that now makes sense now recently I have sung some bhajans also are wow. I have come out with an album also kya wow. baat wow. hai yeah. no wonder music that makes album. sense जादू है बिन डोर खींचा जाता हूँ जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ तेरी ओर चला आता हूँ तेरे चेहरे में वो जादू है की बरसातें मुझ में प्यार की प्यास जगाए तू जो एक नजर डाले जी उठे मरने वाले लब तेरे अमृत के प्याले मुझ में
बढ़ते हैं तेरे साथ कदम, मैं रोक नहीं पाता हूँ, मैं रोक नहीं पाता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ। रंगत है दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है बस जन्नत ही जन्नत है। शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कवल ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कवल ड्रीम गर्ल। कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कवल ड्रीम गर्ल। कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल। जब देखती है वो मैं ढूंढ लूंगा तो, शबनम घटा चांदनी बन जाती है दोस्त तो, रंग रूप लेती है वो बदल। ड्रीम गर्ल ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कवल ड्रीम गर्ल। कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कवल ड्रीम गर्ल। वैसे हेमा मालिनी जी कितनी खूबसूरत है ना, माय गॉड, नॉट जस्ट टैलेंटेड स्टिल एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है ना विशु सर। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल absolutely. आपके फोन ने भी आपसे यही कहा। नहीं मैं फोन पे यही बोल रहा हूं, एक्चुअली आई एम नॉट इवन जोकिंग, आई वाज टेक्स्टिंग माय मदर टू से मैं हेमा जी के साथ में बैठा हूं टेबल पे। इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर मी। मैम मैं भी आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं। जब मैं बहुत छोटा था, हालांकि अभी भी मैं छोटा ही हूं, लेकिन जब मैं बहुत छोटा था तब जब भी पापा मम्मी और मैं, हम बहुत कम छुट्टी पे जाते थे, पर कभी भी थोड़ा समय मिलता था तो हम खंडाला चले जाते थे एक आध दिन के लिए। और मेरे पापा जो हैं वो मम्मी को एक ही कॉम्प्लीमेंट देते थे, और वो कॉम्प्लीमेंट ये था, अरे दीपा जी क्या हेमा मालिनी जैसे दांत हैं आपके। लेजेंड। कसम से। और मैं उस वक्त इतना छोटा था, मैंने आपकी कोई फिल्में नहीं देखी थी, तो मैं ये सोचता रहता था ये हेमा मालिनी जी कौन है। फिर मैंने आपकी फिल्में देखी और उसके बाद मेरे पे भी भूत चढ़ गया कि अब मेरी भी जो बीवी होगी उसकी हेमा जी जैसे दांत होंगे।
और आप देखिए मेरी बीवी के हेमा जी जैसी ही दांत हैं और वैसी ही स्माइल है. दांत ठीक है मेरा अभी तक. और हेमा जी के लिए यू नो उनकी ब्यूटी के लिए तो ऑलवेज आज आज तक लोग कहते हैं कि यार कोई भी अगर कोई लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत बनने की कोशिश करे तो तुम अपने आप को हेमा मालिनी समझती हो क्या? एक्चुअली शी इज आइकॉनिक. आज तक चलता है. Absolutely. ये मुझे कई लोगों ने कहा तो मैं एक्चुअली बिलीव नहीं करती थी लेकिन हर हर जगह जब बोलते हैं लोग तो शायद ये सही है. क्या बात है अरुणिता, क्या बात है दानिश. इसे कहते हैं लिमिटलेस परफॉर्मेंस. थैंक यू पहले मैं कह दूं कि आप लोगों में इतना जुनून है ना कि तो हासिल करने के लिए नाम शोहरत वो दिखता है एंड देन इतना डेडिकेशन है इसी की वजह से आप लोग इतना अच्छा गा सकते हैं. थैंक यू मैम. आई मीन जो लता जी आशा जी ऐसे बड़े बड़े कलाकार जो गाए उसको आप लोग एग्जैक्टली वैसे के वैसे गा रहे हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड यू आर ऑल कितने यंग हैं आप लोग दोनों. बहुत आगे नाम बनाएंगे आप लोग. इसके साथ जुड़ी हुई कहानी तो बहुत है. इसके इस पिक्चर की शूटिंग थोड़ा स्विट्जरलैंड में एंड देन एक माल्टा करके एक जगह यूरोप में है वहाँ पे हुई थी. छोटी छोटी गली थी जैसे हम लोग मैं वृंदावन को देखती हूँ तो वहाँ पे कुंज गलियाँ है जी. तो उसी टाइप का कुंज गली वहाँ पे देखने को मिला जैसा सर्च कर रहा है ना द लवर्स आर सर्चिंग फॉर ईच अदर. सो इस गली से कभी उधर से बड़ा ब्यूटीफुल था. देन वी हैड गो टू वहाँ से हम स्विट्जरलैंड गए वहाँ पे भी शूटिंग हुई थी. तो इस शूटिंग के दौरान क्या मैं हमेशा मेरी मम्मी साथ में आती है या आंटी मेरे साथ आती थी जी. तो इस बार मेरे साथ मेरे डैडी आए. ओ तो डैडी ऑफकोर्स ही He knows, धर्म जी से काफ़ी अच्छी दोस्ती भी है सभी. लेकिन वो बहुत कोशिश किया कि वो हमारे साथ गाड़ी में ना बैठे. बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट मी ना द डॉटर को प्रोटेक्ट करना है
धर्म जी उस पर से कि नहीं नहीं मुझे भी आप ही के साथ गाड़ी में आना है. बड़ा अच्छा भी मज़ा आ रहा था मुझे कि देखने के मैं गाड़ी में बैठने के बाद डैडी आके पहले बैठ जाएंगे सो दैट ही कैन नॉट सिट. बट धर्म जी इज सो क्लेवर फ्रॉम द अदर साइड ही विल कम एंड ही विल सिट नेक्स्ट टू मी. It was a little funny, but it was very interesting. और वाकई में मैम धर्म जी तो ऑब्वियसली द मोस्ट हैंडसम मैन एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन. क्या जोड़ी है इस जोड़ी के लिए एक बार जोरदार तालियां. Undoubtedly. Evergreen, immortal. अपनी आंखों में बसने देना तू बन के काजल
जब से आई है ना मुझे लग रहा है कि कोई देवी आई है. मतलब इतना सुंदर हो, ऐसा डिवाइन फील आ रहा है आपको देख के पूरा. बिल्कुल सच्ची बोल रही हूँ मैं, ऐसा देखते ही रहो ऐसा लग रहा है. तो मैं सच्ची आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. सत्ते पे सत्ता, सीता और गीता, शोले, मतलब मैंने बहुत बार देखा है. तो तो आपको सबसे डिफिकल्ट सॉन्ग कौन सा था परफॉर्म करने के लिए आपका पूरा करियर में? पूरा करियर में गाना परफॉर्म, अभी आपने जो गाया लास्ट, जब तक है जा। क्योंकि वो सिचुएशन भी ऐसा था पिक्चर में. मैं बार बार कह रही थी रमेश सिप्पी जी डायरेक्टर से कि आप इसको नवंबर दिसंबर में कीजिए, बैंगलोर में बहुत अच्छा मौसम हो जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, आराम से करेंगे. नो, अभी ही केम टू आस्क मी द डेट इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड ही सेज इट हैज़ टू बी शॉट इन मई महीने में ही मुझे इसका शूटिंग करना है. मैंने बोला बहुत गर्मी होगी, टॉप सन एंड यू नो हाउ मेनी डिग्रीज, उस वक्त तो बहुत मुश्किल होगा, कैसे करेंगे. सिचुएशन ऐसा था तो तभी वो नेचुरल वो सब फीलिंग्स आएगी करके उस वक्त कराया. एंड देयर इज अ रॉक माउंटेन्स ऑल अराउंड, जिसकी वजह से और भी गर्मी लगती थी, पसीना हो जाते थे. तो मैं बार बार पंखा, अभी तो एयर कूलर वूलर आ जाता है. You have a van also nowadays, you know, makeup van. वहाँ पे कुछ भी नहीं, nothing. So even in the lunch break time पे, you have to sit under the some rock. That's all. There is nothing absolutely. ऊपर से डांस जब कर रहे हैं तो वो गब्बर कांच तोड़ के ऊपर डाल देता है रॉक पे, and then he is asking me to dance in that, you know. तो वो सिचुएशन बताया मुझे रमेश जी ने कि ऐसा सीन है, आपको इस पे ऊपर से ये आना है, वो पत्थर ग्लास के ऊपर डांस करना है. तो माय मदर ने एक आइडिया दिया मुझे, आप पाँव में जो नीचे सोल है ना वो एक बना लेते हैं ऐसा कपड़े का, पता ही नहीं चलेगा कि पहना हुआ है, उसके साथ तुम करो तो लगेगा नहीं. तो रमेश जी ने देख लिया, अच्छा कुछ पहन रही है पाँव में, क्या पहन रहे हैं आप? नहीं नथिंग. देन ही केम क्लोज टू मी एंड देन ही सॉ आई वाज ट्राइंग टू वेयर सम काइंड ऑफ अ सॉक्स, यू नो, व्हिच विल लुक नेचुरल फ्रॉम टॉप बट नीचे से सपोर्ट है मेरे लिए. ही सेज नथिंग टू यू, आप निकालो पहले. तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, वो रॉक पे ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो थोड़ा ठंडा हो जाए. आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट टू यू नो make myself comfortable, lekin choda nahi, I had to do that. It was hurting a lot. So aisa aisa situation mein kiya, but kafi 10 din laga isko shoot karne mein, and then you can see the result. Absolutely one of the most jo chahiye tha wo karke choda, and I'm happy I did it. वो अगर आई हैं और वो नृत्य अगर यहाँ पे ना हो मैम के द्वारा, तो फिर ये कैसे, मतलब ये अधूरा है, इंडियन आइडल अधूरा है. हेमा मालिनी स्पेशल में ये ना हो तो ये तो अधूरा रह जाएगा और हमारी ख्वाहिश भी अधूरी रह जाएगी. हा, क्या बात कही है नेहू आपने. मैम के लिए हाथ टूटने तक तालियां. मैम
Unbelievable. Unbelievable. एक बार शोले के लिए और मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए. इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल. मैम एक डायलॉग हो जाए फिल्म शोले का प्लीज, हमारे लिए, हम सब डाई हार्ड फैंस के लिए प्लीज मैम. चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है. यूं तो हमने क्या कहा. क्या बात है. तुम्हारा नाम क्या है बसंती. मेरा नाम बसंती है. पहली बार सुना है ये नाम बसंती. बहुत अच्छा नाम. क्या बात है. तूने ओ रंगीले कैसा
नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं बहुत 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 बड़ा फैन हूँ मैम आपका। हाँ। एंड मैं ही क्या, सारी दुनिया आपकी बहुत बड़ी फैन है, पूरी दुनिया की आप ड्रीम गर्ल हैं। एंड मैं हमेशा से ये सोचता था आपसे मेरी जब भी मुलाकात होगी तो मैं आपके लिए एक ड्रीम गर्ल गाना गाऊँ। एंड आज मैं चाहता हूँ, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप स्टेज पे आएं और मैं आपके लिए ड्रीम गर्ल गाना परफॉर्म करूं। वाओ, अरे मैम ऐसे स्टेज पे नहीं आती हैं, मैम को लाना पड़ता है। जाओ या शो सर, जाओ चलो। मैम प्लीज, दानिश आपका जेन्युइनली बहुत बड़ा फैन है और बहुत नर्वस है, माय गॉड, इसलिए वो जता नहीं पा रहे। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है। ओ माय गॉड, हेमा जी आ रही है, तालियां। होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल, किसी झील का कमल। ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल, किसी झील का कमल। ड्रीम गर्ल, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल, किसी झील का कमल। ड्रीम गर्ल, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल, कौन? ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल, किसी झील का कमल। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। ड्रीम गर्ल, किसी झील का कमल। थैंक यू सो मच मैम, ये इट्स एन ऑनर फॉर मी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। व्हाट एन इनक्रेडिबल मोमेंट मैम, आपने आज जो भी किया, ओ माय गॉड, इतना ग्रेसफुल, रियली ट्रूली इतना ब्यूटीफुल मैम, टचवुड, यू आर सो फिट एज एवर, इतना खूबसूरत। माता रानी, वाहेगुरु जी आपको हमेशा ऐसे ही रखे और हम हमेशा हम सबको ऐसे दीवाना बनाती रहे। थैंक यू, थैंक यू सो मच, वाओ, सो ब्यूटीफुल। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। Wonderful you sing, and जिसकी वजह से मैंने भी ऐसे डांस लिटिल मोमेंट्स लिया,
और मुझे वो याद आ गई जो धर्म जी के साथ मैंने ये गाना किया था। अरे वाह क्या बात है, वाह क्या बात। थैंक यू सो मच मैम, एक बार जोरदार हेमा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आपके इतने सारे फैंस हैं, लेकिन एक बहुत ही खास फैन है, इनफैक्ट बहुत ही खास फैन है, और उन्होंने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है। मैं प्ले कर सकता हूँ? हाँ जी, आइए देखते हैं। नमस्कार, हेमा जी के बारे में मैं जो भी कुछ कहूँगी वो कम ही होगा। वो मेरे लिए एक बहन के स्थान में है, और हम बचपन में जब दिल्ली में रहते थे वो और मेरी दीदी बहुत अच्छे दोस्त हैं, और डांस सीखने जाते थे और मैं भी पीछे पीछे जाती थी। लेकिन मेरा तो शौक म्यूजिक में था। फिर वो एक बहुत बड़ी स्टार बन गई, ड्रीम गर्ल बन गई। पर फिर भी वो अपने बचपन के दोस्तों को उन्होंने भूला नहीं, और मैं जब बम्बई गई उनकी मम्मी जया चक्रवर्ती जी इतना मुझे हेल्प किया, और फिर लक्ष्मीकांत प्यारलाल के पास लेके गए, और मेरी करियर की शुरुआत वहीं से हुई। हेमा जी जो भी जिंदगी में उन्होंने जो भी रोल निभाया है, इतनी डेडिकेशन, इतनी सिंसियरिटी और इतनी ऑनेस्टी से निभाया उन्होंने। एक माँ का रोल, एक बीवी का रोल, और हमारे जैसे लोगों के साथ एक दोस्ती का रोल, एक बहन का रोल। ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगी कि हमेशा उनको खुश रखें, उनको लंबी उम्र दें, और वो ऐसे ही ग्रेस और डिग्निटी के साथ सारी जिंदगी भर रहे। So sweet, कविता जी, थैंक्स सो मच फॉर स्पीकिंग सो वंडरफुल अबाउट मी। इनके साथ मेरा संबंध बचपन से है। शी वॉज जस्ट 2 ईयर ओल्ड। इनकी बहन और मैं, हम दोनों दो फ्रेंड्स थे, तो कहीं पे भी जाएंगे तो पीछे पीछे आती थी। देन बाद में जब मैं बॉम्बे आ गई, मैं फिल्म आर्टिस्ट बन गई, तो इन देन इट वॉज माई मदर, शी हर्ड कि इतना अच्छा कविता गाती हैं, तो इनको फिल्मों में ज़रूर गाना चाहिए करके मम्मी मेरी लक्ष्मीकांत जी के पास ले जाके उनसे इंट्रोड्यूस कराया। और मेरी एक पिक्चर बनी थी शरारा, शरारा में कविता जी से गवाया था एक गाना, बहुत सुंदर गाया उन्होंने। सो आई फेल्ट सो नाइस कि वो आज कितना अच्छा गाया। उसके बाद बहुत सारे फिल्मों में, और मैं जो भी नृत्य नाटिका करती हूँ, डांस बैले, उसमें सब कविता हैज टू सिंग, शी हैज टू सिंग, एंड शी सिंग्स सो ब्यूटीफुल। एब्सोल्युटली, एक बार जोरदार ताली। इंतजार जिनका कर रही है माधुरी, टू कटरीना, टू आलिया, टू जूही, वो फिल्म है रूही। और विशु सर, थैंक यू स्टार्स कि आज इस फिल्म के सुपर टैलेंटेड और सुपर प्रॉमिसिंग स्टार कास्ट से आप मिल पाएंगे लाइव। क्या बोल रहे हो? जी हाँ, Presenting Janhvi Kapoor, Rajkumar Rao, and Varun Sharma. तालियां हो जाए टीम रूही के लिए। कैसा लग रहा है आपको इंडियन आइडल पे आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, हमेशा बहुत अच्छा लगता है। वन ऑफ द बिगेस्ट शोज इन द कंट्री, इंडियन आइडल, और आज तो हेमा जी भी हैं, तो आई थिंक चार चांद लग गए हैं शो में। हमारी फिल्म रूही एक हॉरर कॉमेडी है, 2018 में हम लोग स्त्री लेके आए थे, तो ऑलमोस्ट वही टीम है। स्त्री के लिए तालियां, क्या फिल्म थी उसमें वो स्त्री थी, इस बार जो है वो रूही है, और रूही के साथ उनके अंदर एक और अफ्जा भी जीती हैं जो कभी कभी बाहर आ जाती हैं। तो वही कि हम दोनों, एक रूही से प्यार करता है, एक अफ्जा से प्यार करता है। अच्छा। और अभी होगा क्या, वही सस्पेंस है जो आपको फिल्म में पता चलेगा। माई स्पेशल विशेस फॉर जानवी, वरुण एंड राजकुमार जी फॉर दिस फिल्म, गुड लक टू यू। थैंक यू हेमा जी, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए टीम रूही के लिए। थैंक यू। Thank you.
रे सारे ग ब ल नि नम ग रे ग ब न स रे ग नि नि त नि नम ग रे ग ग रे ग रे नि रे नि त नि नम ग रे ग ब द नि नम ग रे म ग रे ग रे सारे रे ग ग ब ब द द सा सारे रे ग ग ब ब द द सा सारे रे ग ग ब ब द द सा झूठे ने ना बो सांची बतिया जानू जानू झूठे आपके लाल लिपस्टिक को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कहना चाहती हैं। वाओ, क्या बात है। तो बेसिकली हम सबको पता है हमारी जो हेमा मालिनी जी जो हैं, वो क्लासिकली ट्रेन्ड हैं। जी। एक कमाल की डांस फॉर्म में। और वो अगर आई हैं और वो नृत्य अगर यहाँ पे ना हो तो ये तो अधूरा रह जाएगा और हमारी ख्वाहिश भी अधूरी रह जाएगी। हाँ हाँ, क्या बात कही है नेहू आपने। हेमा जी, 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 हेमा जी। ओके, आई माय गॉड, इंडियन टेलीविजन पर पहली बार, और ये हमारे लिए इतने बड़े सौभाग्य की बात है कि इंडियन आइडल के स्टेज पर हम एक डांस परफॉर्मेंस देखेंगे बाय द लिविंग लेजेंड हेमा मालिनी जी। जोरदार तालियां हो जाए। Tana 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 t
garega nere pa maga sa ne pa maga re maga re sa dev lok ki dev dasi sundar roop lubhavani panjan kan chuki kar dhani sala shingar suhavani sala shingar suhavani shankh dhamru jhaaj jhalar mukur dhwani man mohani nav kalpana हम कितने खुशनसीब हैं मैम जेन्युइनली इट्स सच एन ऑनर फॉर अस टू हैव यू परफॉर्म ऑन दिस स्टेज हमारा स्टेज धन्य हो गया मैम थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी डांस थैंक यू सो मच लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हेमा मालिनी जी एज अ ग्रैंड मदर हेमा जी इज Amazing. She's an awesome grandmom. मेरी बेटियाँ उनके साथ लिपस्टिक लगाएंगे मेकअप लगाएंगे अगर मैं किधर शूट में हूँ और मैं मम्मी को फिर ड्यूटी पे रखती हूँ तभी मैं वीडियो कॉल अगर करूंगी तो मैं राध्या को देखती हूँ तो उसने पूरा लंबा विग पहना है लिपस्टिक पहना और यहाँ पे घर में उसका शूटिंग चल रहा है नानी के साथ मैं आज एक कुछ कहना चाहती हूँ आपको मम्मी जब मैं बहुत ही छोटी थी तब से मेरा मेमोरीज यही है कि मेरे बेडरूम के सामने आपका मेकअप रूम हुआ करता था और आप रोज उठ के शूटिंग के लिए रेडी होते थे मैं भी आती थी मुझे स्कूल नहीं जाना होता था मुझे आपके साथ शूटिंग आना था वो सब होते रहता था फिर रात को मम्मी आते थे वापस मैं एक माँ हूँ आज मुझे उस वक्त आप एज अ मदर बहुत चाहते थे कि आप हमारे साथ रहे घर में बट यू हैड नो चॉइस एंड यू हैड टू वर्क आई फील योर इमोशंस एज अ मदर कैसे लगता है बच्चों को छोड़ के काम पे जाना एंड आई एम ओनली प्राउड एंड प्राउड ऑफ यू एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ मदर लाइक यू मम्मा मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आज जो मैं हूँ एज एशा दियोल फॉर एवरी वन इज बिकॉज ऑफ यू आई वर्शिप यू आई रिस्पेक्ट यू आई लव यू एंड योर बिट्टू इज ऑलवेज देयर फॉर यू लव यू दुनिया में चाहे कोई कितना भी बड़ा हो जाए पर एक माँ माँ होती है Yes, and she is my lovely baby, Esha and Anna. I don't know what to say. I'm feeling very emotional, and she spoke about that marriage time when she had to leave and go. I was very strong, of course. Because she had married because she's very close to me, you know, all the time I used to keep her with me. Wherever I go for shooting also, many places I used to take her with me. Ji. Both the girls I'll take. Yeah, I can't leave behind. So much wanting them. So uske baad, shaadi ke time pe to laga ki abhi ye, she's going away from me, you know. That separation was so terrible to take it. Adjust ho gaya hai. Of course, she's always with me. Even after the marriage, ऐसा लगता है कि she has brought a son for me, you know. I have two daughters. But दो लड़के आए हैं मेरे life में. दोनों such a wonderful boys for my girls. And I'm blessed with all the little babies in my life. So ये सब इन्हीं की वजह से हुआ है. And for the main reason is Dharmendra ji for all that. Thanks to him,
for giving all these beautiful pleasures of life for me. Wow. Kya baat hai. Hema ma'am, aapse ek request hai. Please, aap stage par aaiye kyunki hum aapko kuch special dikhana chahte hain. So ma'am, please, zara wahan dekhe. 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के छोटे से शहर अम्मनकुड़ी में जब हेमा जी का जन्म हुआ था, तब किसे पता था कि एक दिन ये ड्रीम गर्ल बन पूरे देश पे छा जाएंगी। इन्होंने चेन्नई और दिल्ली में अपनी शुरुआती पढ़ाई की और पढ़ाई करते करते एक्टिंग को चुन लिया। हेमा मलिन मैडम ने 1954 में हमारा स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड में उनका एडमिशन मिला। उनका एडमिशन नंबर 374 है। हम डीटीए में पढ़ रहे हैं और हेमा मैम भी इसी स्कूल से पढ़ी है और मुझे उनकी ब्यूटी बहुत पसंद है। मैं इस बात से बहुत खुशी हूँ कि हेमा मैम हमारे स्कूल से पढ़ के गई है। मुझे देखते ना ऐसा लगता है कि मैं भी डांस करूँ। मुझे एक बार चांस मिलता है उनसे मिलने के लिए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। बचपन से ही ये शास्त्रीय संगीत और डांस सीख रही थी। इतने खूबसूरत सफर में वो अकेली नहीं थी, बहुत से गुरु थे जिन्होंने हेमा जी को इस काबिल बनाया। और आज वो जो भी हैं, सब इनकी वजह से हैं। सिक्कल रामास्वामी पिल्ले। हेलो हेमू, एपड़ी इरके? उन्ने पाते रुम्ब नाल आर्दे। मेरी बचपन की सहेली हेमा, हमारी शुरुआत 6 या 7 साल के थे जब हमने भरतनाट्यम गुरु तारा रामी स्वामी से सीखना शुरू किया था। हेमा और मेरा खास रिश्ता है। हम जब भी मिलते हैं 3 साल 4 साल 5 साल बाद, उतना ही प्यार से मिलते हैं और उतना ही हंसते हैं जैसे कि हम कल ही मिले थे। हमारे बीच में एक सीक्रेट थी जो हमने किसी को नहीं बताया, आज मैं बता रही हूँ कि हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम कृष्ण जी से शादी करेंगे। और सारे फोटोग्राफ्स बिरला मंदिर जाते थे और वहाँ से कृष्ण जी की लेके आते थे। और एक अजीब इत्तेफाक है कि धर्म जी और मेरे हस्बैंड शमशेर जी कृष्ण जी तो नहीं हैं, पर दोनों के दोनों जाट हैं। हेमा जी ने सीता और गीता में इतना जबरदस्त अभिनय किया कि हर कोई इनका दीवाना हो गया। उस वक्त का हर सुपरस्टार इनके बिना अधूरा था। फिल्म के साथ इनका नाम जुड़ते ही उसे सुपरहिट मान लिया जाता था। मुझे याद है जब हेमा जी ने पहला फिल्म कर लिए, जो अग्रीमेंट वग्रीमेंट साइन करने के प्रोड्यूसर जी आए थे मेरे चेन्नई के घर में, तो देखा था कुछ हंगामा हुआ घर पे। अब बोलते राज कपूर जी आए हैं घर पे। राज कपूर जी हमारे छोटे से घर में एक कुटीर है, वो आपकी बहन को साइन करने के लिए आए। तो हम तो बस बोले क्या हो रहा है भाई। लेकिन ये जब हुआ था ना, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ा मुझ में। अरे हम भी कुछ बन सकते हैं, हमारा परिवार भी कुछ ऊपर आ सकता है। ये बात भी कुछ ट्रेनिंग नहीं था जमाने में, कुछ एक्टिंग स्कूल नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो अपने आप अपने टैलेंट में निकाल के आना था। अदरवाइज लाइक यू नो धर्मेंद्र जी और अमिताभ जी, नोबडी हैड एनी एक्टिंग स्कूल, दे आर बॉर्न एक्टर्स। इनके काम को जनता के द्वारा बहुत सराहा गया। मेरा नाम सुकुमार प्रामाणिक, 2002 से मैं हेमा जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ एज ए हर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। मैडम हेमा जी बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, हमें परिवार की तरह ट्रीट करते हैं। मैम से एक और चीज़ हमें बहुत इंस्पायर किया है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। अभी पीछे कोरोना काल में भी मैडम मुंबई में रहकर भी कैसे लोगों के पास जाके लोगों की दुख भरी कहानी सुन के उसको सॉर्ट आउट किया जाए। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन हेमा जी ने सबसे लड़के इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वो मकाम बनाया है जिसे आज तक कोई छू नहीं पाया। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, उसी हिसाब से तारीफ उस खुदा की जो हेमा जी को बनाया। हमें तुमसे प्यार।
पल में पिघल जाओगे, के पल में पिघल जाओगे, के पल में पिघल जाओगे। मुलाकात के लिए आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते हैं। चल सन्यासी सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.